समाजवादी पार्टी ने जौनपुर लोकसभा सीट पर बाबू सिंह कुशवाहा को ही क्यों बनाया उम्मीदवार। जी हां, नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 13 मार्च को समाजवादी पार्टी ने अपनी एक सूची निकाली जिसमें जौनपुर सदर और मछली शहर लोकसभा समेत 7 विधान लोकसभाओं के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। इसी बीच जौनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के एक दिग्गज नेता माने जाते थे। बहुजन पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। काशी राम के नेतृत्व में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी और जो है अब वहाँ से जो है एक निचले स्तर से कार्यकर्ता के स्तर से अपना जीवन की शुरुआत करते करते जो है एक उच्चतम श्रेणी आप जिसे कह सकते हैं मंत्री पद तक पहुँचे थे। लेकिन पहले सवाल पे आते हैं। सवाल यही है कि बाबू सिंह कुशवाहा को आखिरकार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी को क्यों बनाया। तो जानिए, समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी इसलिए बनाया है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद पार्टी में कोई मौर्य समाज यानी कुशवाहा समाज का अच्छा नेता नहीं रह गया था। तो अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाना साधते हुए जो है कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि लगभग उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट पर कुशवाहा मौर्य की लगभग 1.5 लाख प्लस वोट हैं। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ऐसा माना जा रहा है कि YMM का फार्मूला इस बार जौनपुर लोकसभा सीट पर लगाया है। YMM माने यादव प्लस मुस्लिम प्लस मौर्य, जो है ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो हो सकता है सीट जो है बड़ी आसानी से जौनपुर लोकसभा सीट वाले निकल जाए क्योंकि यादवों की यहाँ पे अच्छी खासी जनसंख्या वोट है। यहाँ पे लगभग 3 लाख के करीब यादव हैं, उसके बाद जो है 1 से 1.5 लाख जो है मुस्लिम मतदाता हैं, प्लस जो है 1.5 लाख जो है मौर्या कुशवाहा मतदाता है। इसी के साथ लगभग 2 लाख क्षत्रिय मतदाता है जौनपुर लोकसभा सीट पर, प्लस 1 लाख ब्राह्मण मतदाता है। तो तमाम कॉम्बिनेशन, तमाम जाति समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव ने जो है यहां से कुशवाहा को, बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा दिग्गज नेता भी माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी को एक ऐसे ही कुशवाहा समाज मौर्या समाज के दिग्गज नेता की जरूरत थी जो पार्टी में जो है बगावत ना करते हुए एक जो है बड़े लेवल पे मौर्य समाज कुशवाहा समाज को वोट पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरफ जो है आकर्षित करे। क्योंकि पार्टी में ऐसे नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस समय जो है पार्टी से बगावत करके एक अपनी नई पार्टी बना ली। तो अखिलेश यादव ने सोचा होगा कि अगर मौर्य समाज के एक दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में रखने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा बेहतर हो सकते हैं। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि घोटाले में एक बार जेल भी गए हैं जिसके कारण मायावती ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया था। फिर इन्होंने पार्टी से अलग होकर एक अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। फिर इसी लोकसभा चुनाव में पिछले 10 दिन पहले अखिलेश बाबू सिंह कुशवाहा जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगभग 7 लोकसभा सीट पर जौनपुर, गाजीपुर, बलिया तमाम जैसे और 7 लोकसभा सीट पर जो अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था। लेकिन अंदर खाने में बात चल रही थी और बात बन भी गई कि बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब जो है यहाँ से उधर बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी ने जो है कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने श्री कला धनंजय सिंह को प्रत्याशी बनाया। लड़ाई एकदम त्रिकोणीय है। इन सब घटनाओं पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।